पंत का देहरादून के अस्पताल में इलाज जारी। बीसीसीआई ने संभाली पंत के इलाज की बागडोर। इलाज के लिए विदेश भेज सकता है बोर्ड। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं अपने स्टार खिलाड़ी को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी पूरी तरह एक्शन में आ गया है। बीसीसीआई ने पंत के इलाज की बागडोर अब पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई जल्द ही पंत को मुंबई में शिफ्ट कर सकता है, जहां से जरूरत पड़ने पर उन्हें इलाज के लिए विदेश भी भेजा जा सकता है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंत के लिंगामेंट की चोट का इलाज अब बीसीसीआई की मेडिकल टीम करेगी। पंत के एक्सीडेंट के बाद से ही बीसीसीआई के डॉक्टर देहरादून में मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों के साथ संपर्क में हैं और उनके इलाज की जानकारी ले रहे हैं। अब बीसीसीआई ने देहरादून के अस्पताल को बता दिया है कि लिंगामेंट के इलाज की पूरी जिम्मेदारी बीसीसीआई के डॉक्टर ही करेंगे। बता दें कि शुक्रवार की सुबह दिल्ली से रुड़की जाते समय पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। हादसे के बाद पंत की कार जलकर खाक हो गई थी। ऋषभ पंत फिलहाल देहरादून में इलाज करवा रहे हैं। खुशकिस्मती से पंत को ज्यादा बड़ी चोटें नहीं आई हैं और उनकी जान या करियर को किसी तरह का खतरा नहीं है। पंत की ज्यादातर चोट का इलाज मैक्स अस्पताल में हो रहा है, जिसमें चेहरे और पीठ के घावों की प्लास्टिक सर्जरी की गई है, जबकि दिमाग और रीढ़ का MRI भी किया गया है, जो बिल्कुल सामान्य रहा है। हालांकि पंत के लिए चिंता की बात उनके घुटने का लिंगामेंट है, जो फट गया है, और ये चोट मैदान में उनकी जल्द वापसी में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो सकती है। यही कारण है कि BCCI खुद मोर्चे पर उतर आई है।